सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब आप कोई वादा करते हैं तो आशा लगाते हैं, जब उसे पूरा करते हैं तो भरोसा बनाते हैं। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। पहली बरसात गिरी और कानों में इतना ही कह गई, गर्मी किसी की भी हमेशा नहीं रहती। आज का पंचांग 28 जून 2024 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 4:27 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र सुबह 10:10 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। धनुराशि 28 जून 2024 दिन शुक्रवार, यह समय उन रिश्तों को समाप्त करने का है जो काम नहीं कर रहे हैं। विवादों में विशेष रूप से कार्यस्थल पर कूटनीतिज्ञ बने। धन पहले से ही चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए जुए या अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। प्रियजनों के साथ शेयर किए आनंद के लिए समय निकालें। जीवन का यह समय आपको काम और परिवार के साथ साथ आत्मविश्वास और विश्वास की कमी में करना सिखाएगा। घरेलू मुद्दों और व्यवसाय संबंधित आमदनी के बारे में विचार करेंगे। अपने आप को शांत रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुन्दरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। खुद जोश और ऊर्जा महसूस करेंगे। किसी खास काम को लेकर दौड़ धूप रहेगी। सफलता मिलने से थकान महसूस नहीं होगी, नई जानकारी भी हासिल होगी। किसी व्यक्ति के साथ बात करते समय जरूरत से ज्यादा जानकारी ना दें। सभी करीबी अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, इस कारण आपका अकेलापन बढ़ सकता है। लोगों के लिए नकारात्मकता न रखें। आपको अपने स्वभाव में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। प्रयत्न करने के बाद भी काम से संबंधित समस्या जटिल बनती नजर आएगी। दिन के अंत तक इस समस्या का हल प्राप्त हो सकता है। गलत बातों में पार्टनर का साथ देने में आपका नुकसान हो सकता है। एलर्जी को नजरअंदाज न करें। सावधानियां, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपने मनोभावों पर काबू रखें। अपनी प्रतिभा को पहचाने और सकारात्मक दिशा में लगाएं। आलस को खुद पर हावी न होने दें। लेन देन में सावधानी रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने चाहने वालों के साथ फुर्सत के कुछ खास पल गुजारने के लिए थोड़ा खाली समय निकालें। प्रेम के खेल में रोमांस और यौन सुख आपकी प्राथमिकता है। मुश्किल वक्त में भी अपने साथी का ध्यान रखें। अलगाव से यह समय चिंता भरा हो सकता है। आप निजी लाभ की तुलना में लोगों की सेवा करने में अधिक रुचि रखते हैं। यह जीवन का वो चरण है जब आप काम और परिवार के कार्यों में भी संतुलन बनाए रखेंगे। आपका गुस्सा रोमांटिक रिश्ते को कसौला कर सकता है, लेकिन शांत रखें क्योंकि आपके चार्म से आपका साथी ज्यादा देर तक नहीं दूर रह पाएगा। बात करते हैं करियर की। आज आपके जीवन को नया अर्थ मिलेगा जहां आप खुशियों के खेल का पूरा मजा लेंगे। नए अवसरों के मिलने से जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अपने दिल की सुने, इससे आप निराश नहीं होंगे। जीवन में संघर्ष करने और जोखिम लेने से पीछे न हटे। सबके आकर्षण का केंद्र आज आप में ही आज आप ही हैं। कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन के कारण आपको सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। आपके दृष्टिकोण की कुछ विशेष खूबी सहकर्मियों और अधिकारियों को आपका प्रशंसक बना देगी। भाग्य आपके साथ है, लेकिन कड़ी मेहनत करना ना भूलें। बिजनेस को गति देने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनेगी। योजनाओं पर काम करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस में महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है। ऑफिस में दूसरों की बातों पर न आकर अपने काम पर ही ध्यान दें। बात करते हैं सेहत की। मौसमी परेशानियों की शिकायत रहेगी। सिर दर्द और थकान भी हो सकती है। एलर्जी को नजरअंदाज न करें।
तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।